वेलकम बैक टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द एटम्स टॉपिक। मैं तुषार मुंडकर आप सभी का स्वागत करता हूँ कैच 25 ने आपके लिए लाए हुए HSC सीरीज का, जहाँ पे हम लोग बोर्ड्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज गाइस, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड सॉरी मास नंबर एंड नेक्स्ट थिंग इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो हम लोगों को ये रिलेशन मिला था कुछ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम को डायरेक्टली 4/3 पाई आर क्यूब पुट किया है, करेक्ट ना। अभी अगर मैं इन डेप्थ इस पर्टिकुलर चीज को डिस्कस करने जाऊंगा तो मैं इस तरह से डिस्कस कर सकता हूँ। देखो, मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और एम इंटू ए को इक्वेट कर सकता हूँ। उसके पीछे रीजन बताता हूँ मैं आपको। एम क्या है, एवरेज मास है, और ए है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट आर प्रेजेंट। एज प्रोटॉन एंड न्यूक्लियन का मास सेम होता है तो आपको इसका वैल्यू मतलब टोटल मास ऑफ द एटम मिलेगा। ओके, क्या बोला फिर से बताता हूँ। एम है सिंगल प्रोटॉन या सिंगल न्यूट्रॉन का मास, विच इज गिवन बाय 1.6 × 10⁻²⁷ kg। अभी मान के चलो अपने पास ऑक्सीजन है, सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 16 बिकॉज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन ऑक्सीजन आर 16। हो गया, तो आपको ये टोटल एम ए मिलेगा। वंस यू गेट दिस टोटल मास, यू कैन इक्वेट इट विथ अनदर फॉर्मूला। यू सी गाइज, मास इज ऑल्सो गिवन बाय डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे डेंसिटी लिख सकता है और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से आप डेंसिटी का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो जैसे इन्होंने क्रिएट किया है, समझ रहे हो। तो ये एक डेंसिटी का वे हो गया, ये एक डेंसिटी का वे हो गया जो इन्होंने क्रिएट किया है। या फिर तुम लोग सिंपल लैंग्वेज में जो मैंने क्रिएट किया है फॉर्मूला उसको भी याद रख सकते हो, दैट इज आर इक्वल्स टू आर नॉट ए रेस टू 1/3। जो न्यूमेरिकल जाएंगे या फिर एंट्रेंस में क्वेश्चन आएंगे, दे विल बी बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला एंड नॉट द वन दैट आई हैव शोन ओवर देयर। ओके, तो वो फॉर्मूला हम लोग थोड़ा बहुत इग्नोर भी करेंगे तो भी चलेगा। चलो अभी इन डेप्थ बात करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। जैसे कि पहली चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट न्यूक्लियर फोर्सेस, है ना। मतलब देर आर बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेस एंड वी हैव स्टडीड अबाउट दिस फंडामेंटल फोर्सेस इन द 11th स्टैंडर्ड इटसेल्फ। थोड़ा सा रिकॉल देता हूँ। द फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज वीकेस्ट इन द यूनिवर्स। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड मतलब वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है, क्योंकि एफ का वैल्यू क्या होता है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट सेकेंड लॉ, दिस वाज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। मतलब फर्स्ट लॉ हो गया, सॉरी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अभी दूसरा फोर्स कौन सा बात करेंगे, देन इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। द थिंग विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज दैट इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज इंटरफेरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को मर्ज करने की कोशिश करोगे तो आपको EM वेव्स मिलते हैं, एंड उसी से एसोसिएटेड जो आपका फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली मॉलिक्यूल के अंदर वाला फोर्स है, या फिर यू कुड से इट इज अवर डे टू डे लाइफ फोर्स, क्योंकि अपन डे टू डे लाइफ में मॉलिक्यूल से घिरे हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल है लाइक टेंशन है, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ऑल दिस फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इवन फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, बट अभी सीन क्या होता है, उसके बाद एक फोर्स आता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड एक होता है वीक। अभी न्यूक्लियर फोर्स का कंसेप्ट समझने के लिए आपको न्यूक्लियर का किसी भी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझना होगा, तो क्यों ना हम लोग एक पटापट न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज एन एटम, एटम में क्या होता है कि बेसिकली एट द सेंटर देयर इज न्यूक्लियस विच इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स, एंड उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन वर्ल होते हैं। तो लेट्स से जो भी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए है वो मेरे न्यूट्रॉन्स है और बाकी सारी के सारे मेरे प्रोटॉन्स है, तो ये मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। और इसके अराउंड डेफिनेटली यहाँ पे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट गोइंग टू कवर एंटायर ऑर्बिट एंड ऑल दैट। अभी सीन क्या होता है ना गाइज, अगर लॉजिकली देखने जाओगे तो प्रोटॉन एंड प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, करेक्ट। एंड अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूल को याद करोगे तो टू पॉजिटिव चार्जेस शुड ऑलवेज रिपेल ईच अदर। यू विल एग्री ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, पॉजिटिव चार्जेस क्या करने चाहिए, एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। तो अगर ऐसा ट्रू है, मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ट्रू है, हमको पता है, अगर ये ट्रू है तो ये चार्जेस क्यों नहीं रिपेल करते एक दूसरे को, why they are not repelling each other? Actually they are repelling each other, but there is a force present in the nucleus which is actually preventing them from moving away.
तो न्यूक्लियर फोर्स का रीजन क्या है या फिर पर्पज क्या है? इट प्रिवेंट्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द न्यूक्लियस, सॉरी मॉलिक्यूल इज द टोटली रॉन्ग वर्ड, इट प्रिवेंट्स द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, और वी कुड से दैट न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स दिस न्यूक्लियॉन्स, बाइंड मतलब पकड़ के रखता है. ओके तो अगर ये स्ट्रांग हुआ तो डेफिनेटली यहां से प्रोटॉन बिटॉन कुछ बाहर नहीं निकलेगा. बट कैसा होता है कि हमेशा न्यूक्लियर फोर्स फोर्स स्ट्रांग नहीं रह सकता. तो समटाइम्स इट इज वीक इन नेचर, एंड व्हेन इट इज वीक इन नेचर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये प्रोटॉन भागने की कोशिश करेंगे, अपने आप से एनर्जी लिबरेट करेंगे, अपने आप से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे बहुत सारी चीजें फेंक के मारेंगे. इसी चीज को बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके या फिर रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर से पार्टिकल्स या फिर एनर्जी लिबरेट होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जिसका काम था चीजों को बाइंड करके रखना वो वीक पड़ गया, वो अपना काम नहीं कर पाया. तो रेडियो एक्टिविटी क्यों हुआ? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स वीक ठहरा. अंडरस्टैंडेबल? चलो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग. अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब कितना भी पॉजिटिव चार्ज हो कितना भी निगेटिव चार्ज हो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो मास के ऊपर डिपेंड रहेगा. ओके मतलब कितना स्ट्रांग, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं. नेक्स्ट, अनलाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स विच आर एक्ट ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअली इज अ शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स. इट एक्ट्स इन द रेंज ऑफ फेमटोमीटर या फिर फर्मीमीटर. अभी ये क्या होता है फेमटोमीटर फर्मीमीटर? एक्चुअली इट इज 10^-15 meters, मतलब इतना कम रेंज पे वो एक्ट होता है. दैट इज 10^-15 meters. And it is the strongest force among subatomic particle. The strength is about 50-60 times larger than electrostatic force. मतलब बहुत ही ज़्यादा strong force होता है ये. Okay? Let's now talk about nuclear binding energy. Okay? Basically क्या होता है? Binding energy का क्या concept है? Nucleus को bind करके रखने वाला energy, मतलब binding energy, है ना? मतलब अगर समझो प्रोटॉन है, प्रोटॉन एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं बट न्यूक्लियस उनको एस्केप करने नहीं दे रहा है, तो मैं वो एनर्जी अगर कैलकुलेट कर रहा हूं तो उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी. ओके सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अच्छा, बट आपको लगेगा कि इसको बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी बोलेंगे, तो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं. समझो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था. इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले पढ़ते हैं. मान के चलो अगर समझो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है. ओके क्या करता हूँ मैं? देन एटम में हीट प्रोवाइड करता हूँ. इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ईजी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाउंड नहीं होता, बराबर. तो समझो ये इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट वाले स्पेशली आराम से निकल जाते हैं, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया. सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट आई नीड टू फ्री दिस इलेक्ट्रॉन इज ईदर नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. केमिस्ट्री में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? आयोनाइजेशन. मतलब फिजिक्स में भी वही यूज करते हैं बट समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल इट एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी समझ डियर, तेरे को इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करना है, तेरे को प्रोटॉन को फ्री करना है. तो प्रोटॉन को फ्री करने के लिए हमें जो एनर्जी लगता है, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन. समझ रहे हो? अभी मैंने पहले टोटल एनर्जी के टर्म्स में बोला था कि देखो अगर इस प्रोटॉन को न्यूक्लियस होल्ड कर रहा है तो वो किसी एनर्जी के साथ होल्ड कर रहा होगा, तो आपको उस एनर्जी के एग्जैक्ट अपोजिट एनर्जी देना है. मतलब मान के चलो कि टोटल एनर्जी है -3 joule, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करना है +3 joule, तभी आप इस प्रोटॉन को फ्री कर पाओगे. समझ गए? सो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू फ्री अ न्यूक्लियॉन, लाइक प्रोटॉन हो सकता है या फिर न्यूट्रॉन हो सकता है, फ्रॉम न्यूक्लियस. समझ गए? तो इतना एनर्जी अपने को देना पड़ेगा, अदरवाइज न्यूक्लियस फ्री नहीं होएगा. ये चीज याद रखनी है. अभी एक एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल मतलब इन द सेंस नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते. तो आई होप आपको बाइंडिंग एनर्जी समझ गए, है ना? तो बाइंडिंग एनर्जी ये होता है, एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू द न्यूक्लियस टू मेक द न्यूक्लियॉन्स फ्री, दैट इज टू सेपरेट देम एंड टेक देम टू लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. डेफिनेशन के लिए याद रखना है अपने को. अच्छा, अभी मैं ना आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मास डिफेक्ट.
नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, उन्होंने टेक्स्ट बुक में इतने इंटरेस्टिंगली नहीं बताया बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. मान के चलो अपने पास थ्री अपने फ्रेंड है, एक है सोनाली, एक है जैस्मिन एंड वन इज अनुराग. नाउ सी व्हाट आई डिड एन एक्सपेरिमेंट. मैंने क्या किया, मैंने सोनाली को दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सोनाली को दिए 9 प्रोटॉन. तो मैंने क्या बोला, सोनाली एक काम कर, तो ये ना 9 प्रोटॉन का टोटल मास कितना होता है वो मेरे को बता, टोटल मास. ओके, सो व्हाट शी सेड, सर मेरे को एक प्रोटॉन का मास तो पता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगी. बट 9 इज अ लाइक स्पेसिफिक नंबर ना, इट कैन बी 10, इट कैन बी 11, इट कैन बी एनी नंबर. लाइक किसी और को बोल रहा है सर आपने 9 क्यों लिया, आप 15 ले लो. ठीक है डियर, 15 लेते हैं. तो दैट इज वाई वी नीड टू जनरलाइज अ फॉर्मूला. मास ऑफ वन प्रोटॉन लेट से एमपी है, इफ आई मल्टीप्लाई इट विद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आई गेट टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज जेड टाइम्स एमपी. आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल. फिर क्या सीन होता है, मैंने जैस्मिन के पास भी 9 दिए न्यूट्रॉन, बट इस टाइम क्या दिए मैंने, न्यूट्रॉन दिए. अभी आपको याद होगा कि किसी भी एटम को डिनोट करने के लिए मैंने आपको एक्स ए बाई जेड बताया था, मतलब ऐसे लिखते हैं, वेयर ए इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ए इंडिकेट करता है कि कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, लेट एन डिनोट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने, तो हाउ कैन आई फाइंड आउट, आई नीड टू सब्ट्रैक्ट जेड फ्रॉम ए, दैट्स व्हाई आई गेट एन इक्वल्स टू ए माइनस जेड. तो डोंट यू एग्री विथ मी कि जितने भी न्यूट्रॉन का मास है या फिर न्यूट्रॉन का टोटल मास अगर जैस्मिन को निकालना है, हाउ कैन शी फाइंड आउट, शी नीड टू मल्टीप्लाई दिस एन विथ, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विथ मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रॉन. तो मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रॉन निकाला उसने जिसको मालूम था और एन से मल्टीप्लाई किया. अभी एन ए माइनस जेड होता है, तो ये फॉर्मूला ए माइनस जेड इंटू एम एन भी हो सकता है. फिर मैंने क्या किया, मैंने 9 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन को कंबाइन करके एक न्यूक्लियस क्रिएट किया. मतलब ऑलरेडी एक न्यूक्लियस था, खाली सोनाली और जैस्मिन को देते वक्त मैंने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को सेपरेट करके उन्हें दिया था, बोला कैलकुलेट कर. नाउ आई हैव कंबाइंड देम एंड वंस आई कंबाइंड देम आई गॉट अ न्यू एटम या फिर जो भी है एक पर्टिकुलर चीज मिल गया, न्यूक्लियस मिल गया. अनुराग को बोला कि एक काम कर, तो इसका टोटल मास कैलकुलेट कर. अरे कितना लॉजिकल चीज है, कितना सिंपल चीज है. देखो जितना मास सोनाली ने ऐड किया और जितना मास जैस्मिन ने ऐड किया, तो सोनाली ने कैलकुलेट किया हुआ मास और जैस्मिन ने कैलकुलेट किया हुआ मास शुड बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू टोटल मास, क्योंकि 9 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन से ही तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस बना है. बट वेन वी वेर ट्राइंग दिस एक्सपेरिमेंट इन रियल लाइफ, वी रियलाइज दैट एक्चुअल में जो मास आया वो कम आया. दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. लाइक लेट्स से कि सोनाली ने काउंट किया 2.5 kg, दिस इज एब्सर्ड नंबर, लेट्स इग्नोर. जैस्मिन ने किया 3.5 kg, सो टोटल शुड हैव बीन 5.5 kg. बट वेन अनुराग काउंटेड ही गॉट आंसर ऑफ 5 kg. तो 0.5 kg का झोल कहां पे हुआ? अनुराग ने कुछ न्यूक्लियॉन्स को पॉकेट के अंदर रखा क्या? नो, नॉट लाइक दैट. देन वो 0.5 kg गए कहा? दैट एडिशनल मास, ओके दैट एक्चुअल मास गया कहा? सो क्या हुआ पता है क्या, ये जो टोटल मास था ना, वो टोटल मास कम आने के पीछे रीजन था कि कुछ अमाउंट ऑफ मास कन्वर्ट होता है एनर्जी के लिए. किस एनर्जी के लिए? न्यूक्लियर एनर्जी के लिए या फिर न्यूक्लियर फोर्स के लिए. आपको बताया था, देखो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स है, वो प्रोटॉन को जाने नहीं देता. अरे भाई बट वो आया कहां से? उसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ तो लगेगा अपने को. तो वो क्या करता है, अपने ही मास को, जब वो आइटम हम लोग बनाते हैं ना, तो अपने ही मास में से कुछ मास यूटिलाइज करता है टू जनरेट दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वो अपने ही मास को यूज कर रहा है. और इसीलिए जब अनुराग ने टोटल मास कैलकुलेट किया तो वो कम भरा. क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ने बाउंड करने के लिए अपने आप को या फिर न्यूक्लियस ने बाइंड करने के लिए उसमें से कुछ मास का यूज किया है. और यही जो फिनोमिनॉन है उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट, क्योंकि मास में झोल हो गया. अभी ये झोल कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो दैट इज डेल्टा एम, चेंज इन मास जो भी है. तो अभी देखो रियल में मास कितना आना चाहिए था, इन दोनों के एडिशन जितना. तो मैं क्या करता हूँ, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, मतलब ये और ये दोनों ऐड करता हूँ, माइनस जो टोटल मास ऑब्टेंड आया वो सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि कितने का झोल है. ओके, ये हुआ मास डिफेक्ट का फॉर्मूला.
अभी अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, देखो बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट एग्जैक्टली इज बाइंडिंग एनर्जी. करेक्ट, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस. करेक्ट, अभी अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है. That is indirectly you are talking about E equals to mc square. Yes dear, the famous Einstein's equation. जो बोलता है कि energy and mass are interchangeable. They can be converted into one another's format. है ना, और यहाँ पे हम लोगों को उसी का ही एक glimpse देखने को मिला. What exactly happened? कि some amount of mass got converted into energy. Correct ना, तो mass किस में convert हुआ, mass energy में convert हुआ. This is how we got to know about this particular topic. Isn't it interesting? Let's move on with the next concept. तो यहाँ पर हम लोगों ने mass defect के बारे में study किया. अभी I am going to talk about this particular beautiful chart. What exactly this chart is? तो यहाँ पे ना देखो EB क्या है अपना, तो EB अपना binding energy है. अगर मैं binding energy per A, मतलब binding energy per nucleon, समझो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है जिसका बाइंडिंग एनर्जी है 3 जूल, अगर मैं उसको 16 से डिवाइड कर दो, दैट इज इट्स न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन नंबर या फिर मास नंबर, सो आई गेट द वैल्यू एज 3/16. उसी तरह से यहाँ पे ऑन द वाई एक्सिस वी प्लॉटेड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड ऑन अवर एक्स एक्सिस वी प्लॉटेड मास नंबर. वॉट वी नोटिस ना, फॉर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स द ग्राफ वेरीज डिफरेंटली. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आपका ये ड्यूटेरियम है, देन यहाँ पे ट्रिटियम है, आगे हीलियम है, लिथियम है, देन एन है आपका, देन ऑक्सीजन है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे सल्फर, फेरस, देन मोलिब्डेनियम, इंडियम, देन बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेंगी. जैसे जैसे आप नोटिस करोगे ना कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जैसे बढ़ते जाते हैं ना, तो उनका बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ते जाता है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर हाइड्रोजन के लिए देखो कितना बाइंडिंग एनर्जी कम है. मतलब बाइंडिंग एनर्जी कम मतलब क्या डियर, उसको सेपरेट करना भी इजी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो खाली इलेक्ट्रॉन भी सेपरेट करेगा तो भी तेरे को प्रोटॉन सेपरेट मिला ही ना, कोई बड़ी चीज नहीं करनी पड़ी तेरे को. करनी पड़ी क्या, नहीं, क्योंकि उसका एनर्जी कम है, बाइंडिंग एनर्जी कम है. अभी फॉर ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाओगे यू विल रियलाइज दैट देन लिथियम आया, कार्बन आया, ये थोड़ा सा अनइवन पैटर्न होता है, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, नॉट इन योर सिलेबस, नॉट गोना डिस्कस. मेन चीज अंडरस्टैंड करो, लाइन को समझने की कोशिश करो कि जो एटम वीक होता है, वीक इन द सेंस जो जिनका मतलब लाइक उसमें प्रोटॉन्स ही कम है, लाइक एक एक प्रोटॉन है लिथियम में, जैसे हीलियम में देखो 2 प्रोटॉन, देन ऐसे ऐसे एटम्स जिसमें प्रोटॉन्स ही कम है उनका बाइंडिंग एनर्जी भी कम होता है. धीरे धीरे जैसे हम लोग प्रोटॉन्स बढ़ाते जाते हैं वी रियलाइज दैट फॉर फेरस, ओके दैट इज आयन, वी गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. दैट मीन्स अगर तुझे फेरस का प्रोटॉन बाहर निकालना है तो तेरे लिए डेंजरस टास्क है वो. फेरस का प्रोटॉन निकालना बहुत बहुत मुश्किल है क्योंकि यू नीड टू प्रोवाइड मोर एंड मोर एंड मोर बाइंडिंग एनर्जी. बट एज वी गो बियॉन्ड फेरस यू रियलाइज दैट द बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड इज कीप ऑन डिक्रीजिंग टिल वी रीच यूरेनियम. इसके आगे भी है बट आपको नहीं बताया वो. यूरेनियम के लिए देखो बहुत कम हो गया, ऑलमोस्ट लाइक हीलियम के लेवल के जितना है ना. सो इट्स लाइक व्हाई एग्जैक्टली इज दिस हैपनिंग. लाइक पहले तो समझा क्योंकि वो लाइट न्यूक्लियाई बोलते हैं हम लोग इनको. लाइट न्यूक्लियस के लिए क्यों पॉसिबल था, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स ही ज्यादा नहीं रहते, तो आप इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करोगे तो भी आराम से प्रोटॉन सेपरेट होने ही वाला है, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी कम लगेगा. बट वॉट अबाउट द हेवी न्यूक्लियस. अरे हेवी न्यूक्लियस का फंडा ये है कि जब ज्यादा प्रोटॉन्स आ जाते हैं ना, अभी फॉर एग्जाम्पल समझो यूरेनियम है, उसका 238 न्यूक्लियस नंबर है, समझो 92 प्रोटॉन्स है उसमें, तो भाई 92 प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं कंटेन करने के लिए या फिर होल्ड करने के लिए, क्योंकि प्रोटॉन क्या करेंगे, प्रोटॉन एक दूसरे से अवे जाने की कोशिश करेंगे एंड मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन मोर विल बी द आउटवर्ड पुश, है ना, एक दूसरे से दूर जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे एंड दैट इज वाई जो न्यूक्लियर फोर्स है वो वीक हो जाता है. किसके वजह से वीक होगा, प्रोटॉन्स के ज्यादा होने से. तो जितना एटम हेवी होगा उतना वो क्या बोलते हैं, उतना उसका बाइंडिंग एनर्जी कम होगा, दैट मीन्स इट इज ईजी टू रिमूव इट्स न्यूक्लियॉन. सिमिलरली जितना वो लाइट होगा उतना बेटर होगा. ऑन अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट मटेरियल्स लाइक फेरस,
तो फेरस के लिए आपको बाइंडिंग एनर्जी जो लगेगा वो बाइंडिंग एनर्जी लगता है बहुत ज्यादा. दैट मीन्स फेरस को निकालना इट्स रियली लाइक यू कुड से इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग. ओके अभी एक सम दिया इन्होंने टेक्स्ट बुक में, देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करो. कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम. ओके और उन्होंने क्या दिए, मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड लिथियम एटम्स बीइंग 1.007825 यू. यू इज द यूनिट नोन एज डाल्टन. क्या बोलते हैं इसको, यू को डाल्टन बोलते हैं. मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. एंड 7.016 यू रिस्पेक्टिवली. तो मतलब मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड लिथियम एटम, ये हाइड्रोजन का मास है और ये क्या है, लिथियम का मास है. देखो पहली चीज हमें क्या समझना है कि बाइंडिंग एनर्जी विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला 3mh 4mb एंड सो ऑन. ऐसा क्यों किया सर आपने, मैं आपको जनरलाइज फॉर्मूला याद करा दूं बाइंडिंग एनर्जी का. इट वाज लाइक दिस, मैंने उसको बी लिखा था, इन्होंने ई बी लिखा है, इसीलिए मैं भी अभी ई बी बात कर रहा हूँ. सो इट वाज लाइक दिस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं इनटू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज गिवन बाय ए माइनस जेड इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास. ओके ये था आपका सिर्फ और सिर्फ मास डिफेक्ट, इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है. अभी अगर आप देखोगे तो जेड का वैल्यू 3 है इसीलिए यहाँ पे जेड के जगह 3 आएगा. देखो आ गया 3. फिर प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन का जो जो भी मास है वो, क्योंकि हाइड्रोजन का मास मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन का मास, है ना. सेकेंड चीज ए माइनस जेड, ए माइनस जेड कैसे निकालोगे, तो आपके पास ये है ए, ये है जेड, 7-3 दैट इज वाई वी हैव 4 ओवर हियर, करेक्ट. फिर उसके बाद ये क्या है, एम एल है लिथियम का, तो लिथियम का टोटल मास कितना आया है 7.016. ये जो अपना अनुराग का मास था ना, अनुराग ने कैलकुलेट किया वो वाला वैल्यू है, तो वो पुट कर दिया इनटू, सिंस वी आर पुटिंग द वैल्यूज इन द यूनिट ऑफ डाल्टन, आई विल एक्सप्लेन डाल्टन लेटर ऑन, अभी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको तुरंत इसके बाद. तो डाल्टन में वैल्यू डाला तो सी का वैल्यू आप डालोगे 931.5, बिकॉज इफ यू पुट द मासेस इन डाल्टन एंड इफ यू पुट द सी एज 931 यू विल गेट द आंसर इन द अप्रोप्रिएट यूनिट जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस एनर्जी को, दैट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो मासेस को डाल्टन में पुट करना है एंड एनर्जी लाइक स्पीड ऑफ लाइट को 931.5 से पुट करना है. मतलब इनडायरेक्टली क्या करना है आपको, 931.5 के फैक्टर से इन चीजों को मल्टीप्लाई करना है. तो जब आप इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट फाइनल आंसर. अच्छा डाल्टन आई गेस इन्होंने पीछे दिया है, यस ओवर हियर. तो लेट्स टॉक अबाउट डाल्टन, लेट्स टॉक अबाउट आइसोबार, आइसोटोन वगैरह वगैरह. पहले तो एटॉमिक न्यूक्लियस किस किस से बनता है वो चीज़ है, जैसे आपको पता ही है मैंने बहुत बार बताया प्रोटॉन न्यूट्रॉन. ओके प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन उसको जेड बोलते हैं, फिर मास नंबर क्या होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन टुगेदर. ओके रिटर्न कैसे करते हैं वो भी एक्सप्लेन्ड है. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट थ्री इंपॉर्टेंट थिंग, एक है आइसोटोप, एक है आइसोबार एंड एक है आइसोटोन. ऑल दिस थ्री थिंग्स यू हैव इन केमिस्ट्री, बट ये पैराग्राफ अपने लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ओके ये वाला, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या है. जिस एटम में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, इसका मतलब जेड का वैल्यू रिमेन्स सेम बट, सो जेड का वैल्यू सेम रहता है बट ए का वैल्यू इज नॉट सेम. सर ऐसा क्यों, ए का वैल्यू क्यों, क्योंकि एन का वैल्यू बदल रहा है और अगर एन का वैल्यू बदलेगा तो अल्टीमेटली ए भी बदलेगा. तो ऐसे कुछ एटम्स के ग्रुप को बोलते हैं आइसोटोप्स. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, देन वी हैव ड्यूटेरियम, देन वी हैव ट्रीटियम. यू नोटिस समथिंग ओवर हियर, जेड का वैल्यू देखो 1, 1, 1, सो जेड सेम रह रहा है और ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू 1, 2, 3 चेंज हो रहा है ना. और ऐसा चेंज क्यों होगा, क्योंकि ए चेंज हो रहा है और ए चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि एन चेंज हो रहा है. सो यू कैन इनडायरेक्टली से दैट जिसमें जेड सेम रहता है और एन चेंज होता है वो आपका होता है आइसोटोप्स. ओके ना,
तो अभी ये हो गया कुछ आइसोटोप्स के एग्जाम्पल, बट एक चीज आपको याद रहनी है कि जब आइसोटोप्स की बात करते हैं तो आइसोटोप्स एक्चुअली पजेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो मतलब आपको हाइड्रोजन और देन ड्यूटेरियम में केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे, समझ रहे हो, ये चीज याद रखने की कोशिश करो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन अनदर आइसोटोप लाइक हीलियम, दिख रहा है, तो हीलियम का एक आइसोटोप है जो 2-3 एंड 2-4 के फॉर्मेट में है, तो 2 मतलब z का वैल्यू सेम है बट a का वैल्यू देखो चेंज हो रहा है. देन लेट्स टॉक अबाउट आइसोबार्स. अभी आइसोबार क्या होता है, तो आइसोबार में मास नंबर सेम रहता है, ओके, सो एटम्स हैविंग सेम मास नंबर, तो z का वैल्यू चेंज होगा बट a का वैल्यू क्या रहेगा, तो z का वैल्यू विल बी नॉट सेम बट A का वैल्यू विल बी सेम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. अब इसमें क्या होता है, जब मैं बात कर रहा हूं Z का वैल्यू सेम, A का वैल्यू सेम, तो इसमें ना आपका Z तो सेम नहीं रह रहा है, साथ ही साथ आपका N का वैल्यू भी सेम नहीं रहेगा. लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर थिंग विथ प्रॉपर एग्जाम्पल. ओके, अभी देखो मेरे पास दो एग्जाम्पल दिए, एक H13 है एंड H2 हीलियम है, तो इसमें आप देखोगे तो A का वैल्यू सेम रह रहा है, दैट इज 3-3, एग्री विद दैट, बट व्हाट अबाउट 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 अगर आप देखोगे तो 1 एंड 2 डिफरेंट है. अच्छा एक एक काम करे क्या, हम लोग ना इसको ऐसे याद नहीं रखते, हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें A सेम रहता है एंड दीज आर डिफरेंट सब्सटेंसेस, मतलब सेम सब्सटेंस में इट इज नॉट पॉसिबल, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट सब्सटेंसेस लेते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पे क्या हो रहा है कि A का वैल्यू 3 एंड 3 है, देखा 3-3, बट वॉट अबाउट द सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस डिफरेंट है, लाइक हाइड्रोजन हीलियम, तो ये दो डिस्टिंग्विश पॉइंट्स है, इसको याद रखो. तो आइसोबार में क्या होगा, A सेम रहेगा बट सब्सटेंसेस डिफरेंट होंगे, मतलब प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे. ओके, देन नेक्स्ट वन है आपका आइसोटोन. आइसोटोन में क्या होता है कि आपका जो Z का वैल्यू होता है वो Z का वैल्यू सेम नहीं रहता, एज यू कैन सी H एंड HE, दिखा, नॉट ओनली दैट आपका N का वैल्यू जो है ना वो N का वैल्यू सेम रहता है, अरे सॉरी Z का वैल्यू सेम नहीं रहता, N का वैल्यू सेम रहता है, एक्सट्रीमली सॉरी. और सीन क्या होता है, Z का वैल्यू सेम होने से एंड N का वैल्यू सेम, Z का वैल्यू सेम ना होने से एंड N का वैल्यू सेम होने से आपका A का वैल्यू भी फ्लक्चुएट होता है, तो यू कैन से दैट इसमें A का वैल्यू डज नॉट रिमेन सेम, और यू कुड राइट दैट दीज आर ऑल्सो फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस. अभी मैं आपको इन शॉर्ट कंक्लूजन बताता हूँ, आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं, तो A का वैल्यू दैट इज न्यूक्लियॉन्स का नंबर चेंज होता है. आइसोबार्स में और एक चीज, आइसोटोप में केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, व्हाट अबाउट आइसोबार्स, तो आइसोबार्स में A सेम रहता है, दैट इज नंबर ऑफ यू कुड से और मास नंबर है ना, न्यूक्लियॉन सेम रहते हैं बट ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए होता है. एंड लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग आइसोटोन्स, तो आइसोटोन में जेड सेम नहीं रहता, एन सेम रहता है, तो अगर एन सेम रहेगा और जेड सेम नहीं रहेगा तो आपका ए का वैल्यू चेंज होता है, तो यहाँ पे मुझे वो चीज पहले तो मेंशन करना चाहिए था यार, सो आई नीड टू राइट इट लाइक दिस, ए का वैल्यू इज नॉट सेम. डू यू सी गाइज वॉट इज हैपनिंग ओवर हियर, तो आपको रियलाइज होगा कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोबार एंड आइसोटोन्स, तो आइसोबार में आपका जो Z का वैल्यू है इट इज नॉट सेम एंड A का वैल्यू सेम है, यहाँ पे Z का वैल्यू भी नॉट सेम है और A का वैल्यू भी नॉट सेम है, तो ये मेन फर्क है. आपको आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक अच्छी तरह से समझा है. अभी बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के बारे में, है ना. पहली बात तो अगर समझो मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करता हूँ, तो यू नो दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 9.109383 ब्ला ब्ला ब्ला,
इंटू 10^-31 kg. ओके, एज यू कैन सी अगर मैं इनको कंपेयर करूंगा कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, देखो थोड़ा ही फ्लक्चुएशन है मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन में, तो वी यूजुअली टेक देम एज 1.67 ओनली. मतलब हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम लेते हैं. नॉट ओनली दैट, यू विल रियलाइज दैट मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑफ ऑर्डर 10^-27, वेयर एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ ऑर्डर -31. सो दैट मीन्स कौन छोटा हुआ बाय दिस लॉजिक? डेफिनेटली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा हुआ, क्योंकि उसका माइनस में पावर है. करेक्ट. अभी सीन क्या होता है कि इतनी बड़ी चीज को आपको बोलना, मतलब लाइक सीन क्या कैसे हो गया, ये देखो ये जो है ना, ये नंबर बड़ा है, और हमेशा हम लोग ये बड़े नंबर में बात नहीं कर सकते. तो हम लोगों ने एक यूनिट यूज किया जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास. ओके, नाउ लाइक लेट्स से कि क्या होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास या फिर यू. ओके, सो देयर अभी समझो सीन कैसे होता है कि 1U, दैट इज 1U इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ अ न्यूट्रल कार्बन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 12 इन इट्स लोअर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट. तो ये ना ये टफ डेफिनेशन हुआ. अभी तुम लोग समझो ना, कार्बन का वैसे भी वैल्यू क्या होता है, उसमें 12 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, बराबर ना. तो अगर आप सी लिखोगे, आप इसको 12^6 लिखते हो, बराबर, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, 12. अभी वो बोल रहे हैं उस 1/12 का 12 ले लो, मतलब 1/12 ऑफ 12, तो आपको क्या मिला, 1 न्यूक्लियॉन जितना मास. अभी 1 न्यूक्लियॉन मतलब 1 प्रोटॉन ले लो या फिर 1 न्यूट्रॉन, सो अप्रोक्सीमेटली दैट कम्स आउट टू बी 1.66 × 10^-27 ओनली. सो मैं क्या याद रखता हूँ, मैं याद रखता हूँ कि 1 डाल्टन या फिर 1U इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू, 1U इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू मास ऑफ प्रोटॉन. बस मेरे को मास ऑफ प्रोटॉन वैसे भी रट्टा करना है, तो मैं 1U को भी रट्टा कर सकता हूँ. तो जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा इसके जगह, कन्वर्ट करने के जगह डिवाइड मारूंगा, तो मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा, इट विल बी 1.000055U, मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825U, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665U एंड सो ऑन. तो ये आपको चीजें मिली. एक और चीज, तो अगर आपको समझो E=mc² के फॉर्मेट में इसको करना है, तो हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं इन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 931.5. यू विल नोटिस अपॉन C² लिया है इन्होंने. करेक्ट ना, अपॉन C² मतलब अगर आप देखोगे तो E=, जो mc² है उसका C² लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया. तो इसी तरह से हम लोग को ऐसे फॉर्मेट में मिलता है विच इज एक्चुअली मेजरेबल, विच इज एक्चुअली ईजी टू अंडरस्टैंड. ओके, इसके बाद वाला टॉपिक साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, देन न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, दिस पर्टिकुलर ग्राफ, क्यू आयन सबसे मुश्किल है निकालने के लिए, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इट विल बी नोन एज रेडियो एक्टिव डीके. ओके, बट वो टॉपिक के बारे में नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे.